तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने जो सेटअप था फाउंडर, वो पहचान जाता हमारे मेक कटर को। तो हमारे मेक कटर भी कन्फ्यूज, मगर यार तुम मुझे जानते कैसे हो, ये रिप्लाई देता कि मैं तुझे कैसे जानता हूँ, ये तुझे याद यहाँ पे नहीं होगा, डोंट वरी तुझे आगे चल के यहाँ पे मालूम चल जाएगा, मुझे याद है। तो उन्होंने उस समय मुझे एटीट्यूड दिखाया था ये कहते हुए कि देख लो भाई बॉडी रिफाइनिंग में मेरे से बढ़िया आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है, और मुझे चैलेंज किया था। तो आ जा बेटा देख लेते कौन है बॉडी रिफाइनिंग में सबसे ज्यादा बढ़िया, ये भी कहता आ जाओ यार। तो मैंने चूड़ियां थोड़ी ना पहनी है, लेकिन ये भी कंफ्यूज कि भाई मैंने ऐसा कब इनको बोला था, मैं तो पहली बार मिल रहा हूं और ये भी उनका क्लोन यहां पर है। तो दोनों बीच में ना फाइट वाइट यहां पे चालू हो जाती है। तो ये जो भी फाइट यहां पर है ना, ये फाइट बाहर से सारे बंदे भी देख लेते, वो भी चौंक जाते, माय गॉड बॉडी रिफाइनिंग के दोनों बंदों का फाइट हो रहा है। हमारे फाउंडर भाई वो तो कमाल के, सबको मालूम है शायन भाई वो भी किसी से कम नहीं है, मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। अब आते भाई फाइट की ओर, यहां पे फाइट बराबर हुआ जा रहा है, कभी ये अटैक करता है, कभी फाउंडर अटैक करता है, ये घंटा भी यूज करता है, कभी वो यूज करता है। एंड में फाउंडर को बहुत ही बढ़िया मौका मिलता है और शायुन पे अटैक करने वाला था, लेकिन शायुन भी मौके का फायदा उठाकर ना अटैक काफी अच्छे से डॉच कर लेता है। तो फाउंडर भी कहता वाह बेटे वाह, मानना पड़ेगा, तभी तो वो जो ग्रेट टेंपरर थे ना उन्होंने भी तुम्हारी तारीफ यहां पे की थी। तो जो सुनते ये भी कहता ग्रेट टेंपरर, यानी तुम अपने टाइम पर ग्रेट टेंपरर नहीं थे क्या? नहीं, मैंने सुना कि एक टाइम पर ना एक ही बार एक ही कोई ग्रेट टेंपरर रह सकता है, यानी आपके टाइम पे आपके अलावा भी कोई और ग्रेट टेंपरर था क्या? ये कहता कि वो ग्रेट टेंपरर बड़े कमाल के यार, तुम उनके बारे में पूछना चाहते हो? सॉरी यार उनका नाम भी मैं नहीं बता सकता। हमारा मेन कैरेक्टर और कन्फ्यूज हो जाते कि भाई बातों से लगता कि इनसे भी कोई कमाल का बंदा यहाँ पे था। जहां तक मुझे मालूम है अपने पूरे हिस्ट्री में इनको ही सबसे बढ़िया सबसे धासू बंदा माना जाता है। उनसे पहले तो बस दुनिया बनना चालू ही हुआ था, यानी भाई कुछ तो बातें हिस्ट्री में, कुछ तो बातें जिसके बारे में ना अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है। सामने से फाउंडर कहता अगर मुझे हराना यहाँ पे चाहता ना तुझे पूरा दम लगाना पड़ेगा, लेकिन तो भी हरा नहीं पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अब बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, लेकिन मैंने भी ठान लिया कि आज मैं आपको हरा के रहूंगा, मतलब हरा के ही रहूंगा। इतना बोल के ये भी मुक्का मारता है, वो भी मुक्का मारता है। दोनों का जो मुक्का है ना, दोनों का मुक्का एक दूसरे से यहाँ पे टकराता है, दोनों दम लगाए जा रहे, फिर एक दूसरे का मुक्का ना एक दूसरे के मुंह पे लगता है, जिससे देख सकते भाई दोनों के मुंह से ऐसा खून वून भी आता है। फाउंडर के दवा बेटे वहां मानना पड़ेगा, ये अटैक से मुझे चोट यहाँ पे लगा है, नॉट बैड। हमारा मैं कटा कहता नॉट बैड, तो आप भी नहीं हो, चोट तो मुझे भी लगा है, लेकिन मैंने ठान लिया कि भैया ना आपको हराऊंगा, मतलब आपको हराऊंगा। तो अपना डिफेंस विफेंस छोड़ कर सारा जो पावर है ना सारा पावर अटैक में लगा देता है। फाउंडर भी कहता अपने डिफेंस पे ध्यान ना देके खाली अटैक पे ध्यान देगा, वो कहता यस, क्योंकि ऐसा करने से ही मैं आपको यहाँ पे हरा पाऊंगा। इतना बोलकर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो फाउंडर कहता हाँ तो भाई मैंने भी चूड़ी नहीं पहनी है, मैं भी अटैक करूंगा। तो वापस से अटैक करता है और वापस इनका जो मुक्का है इनका मुक्का टकराता है, और मुक्का यहाँ पे टकराए हुए एक धमाका यहाँ पर होता है। जैसे धमाका होता ना ये लोग अलग ही जगह पे एक अलग डायमेंशन में समझो पहुंच जाते। तो हमारा शायुन कन्फ्यूज कि भाई ये क्या हो गया, हम तो लड़ाई कर रहे थे यहाँ पे कैसे आ गए। तो फाउंडर यहाँ पे बताता है कि वेल यार सारे कल्टीवेटर का सपना यहाँ पर होता है, एक बार यहाँ पे पहुंचना इसे कह जाता है रोड टू इमोर्टेलिटी। तो ये भी कहता है रोड टू इमोर्टेलिटी, वो बताता है यस हमने जो अटैक यहाँ पे किया था ना वो अटैक का जो पावर ना नॉर्मल जो भी बॉडी रिफाइनिंग के बंदे होते हैं ना उनसे कई गुना ज्यादा यहाँ पे हो चुका था, जो ऑफकोर्स हमें दुनिया यहाँ पे संभाल नहीं पाई, तो एक अलग ही समझो डायमेंशन में यहाँ पे भेज दिया, जहाँ पे हमारा आलिया कॉन्शियसनेस है ना वो यहाँ पे ज्यादा काम आता है। ये कन्फ्यूज आलिया कॉन्शियसनेस, ये आलिया भट्ट वाला कुछ है क्या? ये कहता नहीं 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 ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं, ये कॉन्शियसनेस ना इंसान के दिमाग का कॉन्शियसनेस ही होता है। हमारा मैं कहता समझ नहीं आता, वो कहता तो भी यार मैंने समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। तो फाउंडर कहता अच्छा ठीक है सारी सारी बातें भूल जा, शॉर्टकट में ये समझ के भाई ये जो चीज है ना यहाँ पर है ना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, तो यहाँ पे तू बैठ अपना कल्टिवेशन यहाँ पे कर, तेरा कल्टिवेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव यहाँ पर होगा। ये कहता ऐसा बोलो ना सिंपल में तो आराम से बैठ जाता है, सिस्टम से द सिस्टम जल्दी से एवी फैन यूज कर और मैंने वो कल्टिवेशन करवा दे। तो सिस्टम एवी फैन का पावर यूज करवाने लग जाता है, तभी पावर यूज करते करते ये फाउंडर से द फाउंडर यार मैंने सुना जो अल्टीमेट कंबॉट स्किल होता है ना वही मैक्स होता है, वही सबसे पावरफुल यहाँ पर होता है, लेकिन जो आपका यहाँ पर नाम आपका भाई उसका भी ऊपर यहाँ पे लग रहा है ग्रेट कंबॉट स्किल। ऐसा कैसे है? ये बता था क्योंकि यार मैं ग्रेट टेंपरर लेवल पे जा चुका हूँ। जो बंदे ग्रेट टेंपरर लेवल पे जा चुके रहते हैं ना, ग्रेट टेंपरर सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, जिसके बारे में एपिसोड 1 या 2 में हमको यहाँ पे बताया गया था, तब जाके ना तुम ग्रेट कंबॉट स्किल भी यूज कर सकते हो। तुम लकी यहाँ पर हो कि तुम यहाँ पर आ गए, तुमने अच्छे से कल्टिवेशन यहाँ पे किया ना, तुम्हारा भी जो स्किल है ना वो अल्टीमेट से ग्रेट कंबॉट के बराबर यहाँ पे चल जाएगा, तो अच्छे से उसके ऊपर ध्यान दो। जो सुनने में कट कहते मेरे अंडरस्टैंडिंग और मेरे ज्ञान पे, यानी इलाइटमेंट इलाइटमेंट है एपी फैनी, उसका टेंशन ना लीजिए वो मेरा हो जाएगा। आप कुछ और भी बताना चाहते हो तो बता सकते हो। ये भी कहता किया गया तूने अच्छे से ध्यान दिया, तो मालूम है क्या मिनिमम 50 से लेकर 1 मिलियन यानी 10 लाख जितना पावर ओवर बढ़ सकता है। ये कहता क्या 50 से लेकर 10 लाख यार इतना मतलब कोई इतना भी
रैंडम यहाँ पे बढ़ सकता है, ये भी कहता है यस कितना भी रैंडम यहाँ पे बढ़ सकता है, लेकिन ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा टेक्निक प्लस तुम्हारे ऊपर जो बिजली यहाँ पे गिरती है जिसको हेवनली ट्यूलेशन कहा जाता है उस पर भी डिपेंड यहाँ पे होता है। ये कहता है हेवनली ट्यूलेशन, हेवनली ट्यूलेशन, वो कहता है यस हेवनली ट्यूलेशन। यार इसके बिना भाई किसी भी चीज़ में लेवल अप कर पाना काफ़ी मुश्किल है। अगर तुझे ग्रेट कॉम्बोड स्किल में जाना है तो ये सहना पड़ेगा। जब आगे चल के तेरा लेवल अप, जो लेवल जो है ना उसमें जब अप होता जाएगा तो भी बार बार हेवनली ट्यूलेशन का तुझे सामना करना पड़ेगा। इसका दिमाग का दही, मुझे लगा भी यहाँ पे फैनी का पावर यूज करूंगा और लगभग रोज अपना एक एक लेवल अप करूंगा, यानी मुझे रोज बिजली बिजली सहना पड़ेगा। यार ये तो गलत बात है जी। और तभी धीरे धीरे आसमान में बिजली भी प्रकट होने लग जाती है। तो ये भी कहता है फाउंडर की वाओ यार तेरी अंडरस्टैंडिंग, तेरा नॉलेज यहाँ पे बड़ा हार्ड है यार, आसमान में बिजली बिजली भी आ भी रहा है, यानी ट्यूलेशन की तैयारी हो चुकी है। चल बेटे तू भी अपनी तैयारी कर ले ताकि तू बिजली बिजली सह सके। ये भी कहता हूँ कि ठीक है मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, तो जो भी अपनी तैयारी हो सके अपनी तैयारी में लग जाता है। तो ये जो भी रिएक्शन है भाई, जो भी है ना बाहर साइड यहाँ पे जो बाकी पब्लिक देख रही थी ना, बाकी पब्लिक भी नोटिस करती है कि भाई ये क्या हो रहा है, उसके आसमान में अचानक से ये सब क्या हो रहा है, वो लगता है जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है। तो बिजली यहाँ पर आती है, बिजली यहाँ पे सह लेता है, हाथों शायद ग्रेट कॉम्बोड स्किल के ऊपर ये भी आ चुका है। कहते हैं यार फाउंडर आ जाओ, मुझे वापस से फट करने का मन हो रहा है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर लीच ने मेरे सामने आ जाएगा ना एक ही मुक्के में उसकी जान निकाल सकता हूँ, इतना मेरे अंदर पावर महसूस हो रहा है। फाउंडर कहते ये हुई ना बात, मैं भी देखना चाहता हूँ तो कितना इंप्रूव हो गया, इस बार भी मुक्का मारते हैं। पहले भी दो बार दोनों मुक्का मारे थे, दोनों बार यहाँ पे टकराया था तो दोनों को बराबर नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार जैसे मुक्का चलाता ना हमारे में कट्टे को बिल्कुल नुकसान नहीं होता, जो फाउंडर रहता ना फाउंडर को लगता है और एक ही मुक्के में उसकी बैंड बच जाती है। फाउंडर कहता भी कि वाह यार क्या दम है भाई, क्या पावर यहाँ पर है, चल भाई एक बार फिर से ट्राई यहाँ पे मार। वो फिर से मुक्का चलाता है, ये भी फिर से मुक्का चलाता है उसके पावर से बचने के लिए। तो इस बार भी जो फाउंडर यहाँ पे था फाउंडर को ज़्यादा चोट लगती है, जैसे फाउंडर को ज़्यादा चोट लगती है कहता अच्छा ठीक है भाई मैं समझ गया, हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों बैंड बच गई यार, मेरा जो पावर है ना पहले से ज़्यादा बढ़ गया, ये कहता ऑलमोस्ट मुझे डबल लग रहा है। हमारा मेन कट्टा बताता यस पहले 10 लाख था 9 लाख और यहाँ पे बढ़ गया, यानी समझो ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो चुका है। फाउंडर कहते तभी तो भाई जो ग्रेट टेम्पर है ना वो भी तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं। ये कन्फ्यूज कि भाई कौन यार, तुम वही तो बता दो भाई, आप इतने कमाल करते, हमको लगा आपसे कमाल का कोई भी नहीं होगा, लेकिन आप भी किसी और को ग्रेट टेम्पर बोल बोल के इतनी इज्जत यहाँ पे किए जा रहे हो, कौन है? ये कहता कोई भी हो तुझे उसके बारे में ना आइडिया लग जाएगा, अब उस पर ध्यान मत दे। और यही बात बिजली ट्यूलेशन, तो उसने सहा नहीं था, कंबॉर्ड स्किल पे जा चुका था, बिजली शायद अब यहाँ पे गिरने वाली है। हाँ तो मुझसे मिस्टेक हो गई कि मैंने गलती से बोल दिया, लेकिन बिजली अब गिरी गई कह के जाता, तो बिजली आराम से संभाल, इतना बोल के ओकलोन उसका डिसअपीयर हो जाता है और आसमान में बिजली बिजली प्रकट होना चालू होता है। तो नीचे से पब्लिक भी नोटिस करती है, माई गॉड बिजली यहाँ पे आ रही है। अरे यार बिजली तो तभी आती है ना जब बंदे सेवंथ स्टेज होता है ना, सेवंथ स्टेज पे जाते, तब हमारे स्टेज पे मतलब हमारे सेट में किस बंदे का लेवल अप होने वाला है, यहाँ तक कि लीडर सेल्डर भी कन्फ्यूज किया, हाँ भाई हेवनली ट्यूलेशन आ रहा है किसके लिए आ रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।